ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक विशेष व महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष से लेकर के 13 माह तक अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, यानी एक राशि में 12 से 13 महीने तक स्थित रहते हैं। हालांकि बीच में वक्री मार्गी हो जाए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का संचरण एक राशि में एक वर्ष पर्यंत रहता है। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और 8 मार्च 2024 तक मेष राशिगत संचरण करेंगे, मित्रवत राशि में रहेंगे। और जब भी देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होगा तो 12 राशियां इससे प्रभावित होंगी, क्योंकि सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं, धर्म कर्म के कारकत्व हैं, राजनीति का कारकत्व इनके पास है, शिक्षा संतान का कारकत्व इनके पास है, हमारी वाणी और धन का कारकत्व इनके पास है। यदि युवती हैं तो पति का सुख देवगुरु बृहस्पति के पास है। ऐसी स्थिति में जिस भी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही शुभ है और अभी भी शुभ स्थिति में शुभ भाव में स्थित होने जा रहे हैं, तो निश्चित ही इनका शुभ परिणाम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति पहले से निर्बल हैं तो 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनेगा, और ऐसी स्थिति में विशेष सतर्क सावधानी भी बरतने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अभी तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में स्थित थे, निश्चित ही पंचम भाव में अच्छी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन 22 तारीख के उपरांत जब राशि परिवर्तन करेंगे तो छठे भाव में स्थित होंगे, और छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। राहु यहां पर स्थित होंगे, राहु और गुरु का चांडाल दोष बनेगा, गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से बचाव अवश्य करिएगा। जो लोग आपके सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में सतर्क सावधानी जरूर बरतिएगा। कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो या वित्तीय क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से आपको सतर्क सावधान रहना है, बाहरी शत्रुओं से बचाव करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ढैया से आप प्रभावित हैं, रोग रिपु ऋण के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऋण के लेन देन से आपको अवश्य बचना है, कर्ज लेने से विशेष रूप से बचिएगा, लोन लेने से बचिएगा, कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके लिए मुसीबत बन सकती है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं तो पंचम भाव से आपके कर्म भाव को देखेंगे, दसवें भाव को, और यहां पर आपके लिए कुछ सकारात्मक स्थितियां दिखाई दे रही है। कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि निश्चित ही सम्मानित करने वाली होती है। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही लाभप्रद स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे, और कुछ हद तक आपके कार्य क्षेत्र की जो चिंताएं थी, वो चिंताएं, वो तनाव आप दूर कर पाएंगे, अच्छी स्थितियां बनेंगी। यहां पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव को देखेंगे, 12वें भाव को, जो कि खर्च का भाव है, विदेश से संबंधित भाव है। तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, घर से बाहर रहते हैं तो अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी, लेकिन यदि आप घर पर ही रहते हैं, अपने स्वक्षेत्र में कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ होगी, व्यर्थ की यात्राएं आप करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। अनावश्यक खर्चों को करने से बचिएगा, अपने खर्चों को नियंत्रण में लाने का प्रयास करिएगा, अपने इनकम को कैसे मैनेज करना है इस बात का आपको जरूर
ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। यहां पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति नवीन दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, यानी दूसरे भाव को। यह कुटुंब का भाव है, धन का भाव है और साथ ही साथ आपकी वाणी का भाव रहने वाला है। तो यदि आप वक्ता प्रवक्ता हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। निश्चित ही आपको देवगुरु बृहस्पति का इस दृष्टि का लाभ अवश्य देखने को मिलेगा, कुटुंब का सहयोग देखने को मिलेगा और पैतृक संपत्ति का कहीं ना कहीं लाभ आपको देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आपकी वाणी आपके नियंत्रण में नहीं है, यानी ताव में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन से आपको जरूर बचना होगा। इस राशि परिवर्तन के उपरांत किसी प्रकार की चिंताएं, कोई तनाव, कोई कार्य बिगड़ता हुआ नजर आए तो हर वीरवार को देवगुरु बृहस्पति के निमित्त व्रत करिएगा, वीरवार की कथा करिएगा, केले का पूजन करिएगा और ध्यान रखिएगा वीरवार को पीली चीजों का सेवन करने से आपको जरूर बचना है। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित किसी भी छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।